बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो बीएसएफ की ओर से सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि बीएसएफ की ओर से नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती में भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप 10वीं पास है, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है, सभी वैकेंसी की जानकारी के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि जो आपकी दौड़ रहेगी 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर के लिए 8.5 मिनट का समय भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर 8.5 मिनट में दौड़ कंप्लीट कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँगा किस प्रकार से आवेदन करना होगा, कहाँ से आपको ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में सबसे फास्ट अपडेट मिलता है। जैसे कोई लेटेस्ट वैकेंसी हुई या कोई नोटिफिकेशन हुआ, एडमिट कार्ड हुआ, सिलेबस हुआ, उसकी समय समय पर आपको यहाँ पर जानकारी दी जाती है। तो हो सके तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भर्ती का रिक्रूटमेंट नेम रहेगा वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की ओर से नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि यहाँ पर इसकी ओर से भर्ती चलेगी। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई, तो उस भर्ती में भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आपका रहेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, वैसे तो यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए अलग अलग आपको सैलरी दी जाएगी, अधिक जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन में ही बता पाऊंगा। लेकिन जो आपके यहाँ पर सैलरी रहेगी 1700 से लेकर 1,23,100 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल रहेगा, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। अगर हम इस भर्ती के फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे एसआई और कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो आपकी हाइट रहेगी, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर और जितनी बची कुछ अदर पोस्ट रहेगी जो उनके लिए हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी 162 सेंटीमीटर आपका हाइट होना अनिवार्य। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूँगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम जरूर बताकर जाना। जो आपकी चेस्ट चाहिए केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए होगी, 80+5 सेंटीमीटर का फुला होना अनिवार्य। जो आपके यहाँ पर रनिंग टेस्ट होगा, यानी कि जो आपको दौड़ लगानी होगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए अलग अलग होगी, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जो मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग होगी, 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए 24 मिनट का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप आपका 11 फीट रहेगा, हाई जंप आपका यहाँ पर 3.5 फीट रहेगा। दोनों के लिए आपको यहाँ पर 3-3 चांस दिए जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की आपके यहाँ पर दौड़ रहेगी, जिसके लिए आपको यहाँ पर 8.5 मिनट का समय भी दिया जाएगा। 9 फीट जो आपका रहेगा लॉन्ग जंप रहेगा और 3 फीट आपका यहाँ पर हाई जंप रहेगा। दोनों के लिए आपको यहाँ पर 3-3 चांस दिए जाएंगे। एप्लीकेशन जो फीस होगा सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप यहां पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें तो आप यहां पर चेक कर पाएंगे, अगर आपके 18 ईयर से लेकर 32 के बीच में है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2020 तक की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी को आपके नहीं तो 18 से कम हो न 32 से ज़्यादा हो। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 5 की छूट मिलेगी, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 की छूट भी दी जाएगी। अगर आप एससी कैंडिडेट है जिसमें आपकी एज हो जाएगी 18 ईयर से लेकर 37 ईयर के बीच में होना अनिवार्य है, और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनकी जो एज रहेगी 18 ईयर से लेकर 35 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती के फिजिकल डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और अगर आप यहां पर इसको अधिक जानकारी में चेक करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी आप यहां से जानकारी ले पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए मैंने वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जो इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन आई हुई है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अगर आपने 10वीं 12वीं ITI ग्रेजुएशन कुछ भी किया हुआ है तो आप यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर कोई और ID भी इनको
दे सकते हैं। जो इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यानी दौड़ होगी, मेडिकल टेस्ट रहेगा या रूटीन एग्जाम आपका यहाँ पर रहेगा। अगर आप इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे, ग्रुप आप हमारे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना हो किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उसके बाद से आपको यहाँ पर फोटो लगाना और उसको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए लाइट कलर का होना अनिवार्य है। फिर आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नेम फिल करना होगा, एक बॉक्स खाली करके आपको यहाँ पर फुल नेम आपको फिल करना होगा। इसी प्रकार से अपने पापा का नाम फिल करना होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर बतानी होगी, वाई वाई में आपको यहाँ पर ईयर बताना है, डी डी में डे बताना होगा, एम एम में आपको यहाँ पर मंथ बताना होगा। फिर आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस देना होगा, पिन कोड बताना होगा, टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ना है। फिर आपको यहाँ पर स्टेट बताना है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस बताना होगा। फिर आपको यहाँ पर इसी प्रकार से पिन कोड देना होगा, टेलीफोन नंबर कुछ नहीं देना है। फिर स्टेट बताना है, मोबाइल नंबर बताना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। फिर आपको बताना किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी आप हो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी होगी, अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर आपको यहाँ पर नेशनलिटी बतानी है, इंडियन आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप सिंगल मैरिड डिवोर्सर जो भी आप हो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर अपना रिलीजन बताना होगा, जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो आप यहाँ पर हिंदू मेंशन आपको करना होगा, अगर आप कुछ और है तो आपको यहाँ पर वो मेंशन कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एजुकेशन की सभी डिटेल देनी होगी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका अटैचमेंट भी आपको यहाँ पर देना होगा, उसको अटैच भी करना होगा। फिर आपको यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना होगा, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, और आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब भी आपको बताना होगा। फिर आपको यहाँ कंटेंट का सिग्नेचर करना होगा। फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इनके पास सेंड करेंगे उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। कहने की बात है आपको यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन फिल करना होगा, और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन करना है तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप वीडियो इन हिंदी। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से वो वीडियो देख पाएंगे किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा, किस प्रकार डाउनलोड करना है, सभी जानकारी आपको यहाँ पर इस वीडियो में दी गई है, तो आप यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे। अगर आप शॉर्ट नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर पाएंगे, लेकिन जो ये वाला फॉर्म आपको फिल करना है, फिल करने के बाद एड्रेस आपको हमारी वेबसाइट पर दिया गया है, आप यहाँ से वो एड्रेस भी देख पाएंगे, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। ऑफलाइन मोड से आवेदन करना होगा, इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ सेंड करना होगा। अब बात रही आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है किस प्रकार डाउनलोड करना है, तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, फुल नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो शॉर्ट नोटिस पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने शॉर्ट नोटिस आया हुआ है आपके सामने आ जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। आपको जो वैकेंसी दी गई है इंस्पेक्टर के लिए होगी, सब इंस्पेक्टर के लिए होगी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए होगी, एचसी स्टोरमैन के लिए होगी, कॉन्स्टेबल के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी बताई गई, कौन कौन सी वैकेंसी बताई गई उसकी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। 167 वैकेंसी मिलेगी टोटल, पोस्ट नेम रहेगा टोटल, आपको यहाँ पर 7 प्रकार की वैकेंसी आई हुई है। एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए होगी, रेडियो मैकेनिक के लिए होगी, फ्लाइट गनर के लिए होगी, इंजीनियर के लिए होगी, सब इंस्पेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल, स्टोरमैन के लिए होगी, कॉन्स्टेबल के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप नोटिफिकेशन या फिर वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन करना है तो आप यहां से देख पाएंगे, और इंपोर्टेंट डेट भी आपको वहां हमारी वेबसाइट पर बताई गई है, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और महत्वपूर्ण लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।